हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं मौर्यन आर्ट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के रिगार्डिंग हमारे। और पिछली बार भी अगर देखा जाए तो मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन आए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जैसे आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने पिछला अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है या देखा हुआ होगा पेपर 64th वाला और 63rd वाला, तो लगभग कुछ क्वेश्चंस की सिमिलैरिटीज आपको पिछले वाले क्वेश्चन से मिली होगी। तो आपको इस बार ऐसा है कि आपको मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम और ये जो मधुबनी पेंटिंग है उसको आपको करके जाना है चारों के चारों, ठीक है? मतलब आप एक एरिया नहीं छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लें। तो वहाँ हमने जिक्र किया है बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के स्पेशल ग्रुप के लिए, वहाँ सिर्फ आपको ज्वाइन होना है, बाकी आपको पर 2 डेज़ के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो जितना जल्दी आप उसमें ज्वाइन होते हैं उस ग्रुप को और भी बूस्ट मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेक्शन जो GS1 का मोस्ट कहा जाए तो एक बेस होता है, वहाँ पे हम उस चीज़ को भी क्लियर किया जाएगा कि DI अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने अगर 64th दिया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो लेवल उसी लेवल को टच करके कोशिश किया जाएगा कि आपको DI का सेक्शन भी वहाँ से कंप्लीट कराया जाए आगे चलते चलते। लेकिन फिलहाल अभी जो होगा वो होगा बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को एंड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और आंसर पोस्ट करें, ताकि आपकी भी जो है वो अटेंटिवनेस बनी रहे, ठीक है? चलिए बात करते हैं आज मौर्यन आर्ट के बारे में। इससे पहले हमने दो आर्ट्स के बारे में जिक्र कर लिया हुआ है अपने चैनल पर, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस वगैरह में जाके देख सकते हैं। जैसे एक पाल आर्ट के बारे में हमने बता दिया हुआ है और मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स? आज आज इस ग्रुप के हिसाब से, अगर नहीं इस सीरीज़ के हिसाब से बात करते हैं तो मौर्यन आर्ट के लिए आज इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये नितिन सिंघानिया के द्वारा लिखी गई है, बेस्ट बुक मानी जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इसमें मुझे मॉडर्न आर्ट के हिसाब से कुछ अच्छा पॉइंट्स वगैरह मिले, तो मैंने सोचा कि आपके लिए यहाँ पे यहाँ से मैं बताऊँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो आगे इसको बढ़ाते हैं, करते हैं मौर्यन आर्ट की, जो कि इसका इंट्रो पार्ट मैंने एक रिटन फॉर्मेट में लिख लिया ताकि आपको और इजी हो समझने के हिसाब से इसके, ठीक है? तो मौर्यन वेयर द अर्लीस्ट अर्लीस्ट एम्पायर बिल्डर एंड रूल्ड ओवर द वास्ट जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेसिस, फेवरेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर बात करते हैं किसी भी एक एम्पायर की, अगर उसके पास पूरा ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया मौजूद हो और उसका पॉलिटिकल बेस भी मजबूत हो, हैविंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन भी मजबूत हो, तो वो जरूर है कि अपने इतिहास में छाप छोड़ने की कोशिश करती है, और ये हमने पूरे इतिहास में देखा है। तो इनके पास बहुत ही अच्छे सोर्सेज मौजूद थे। तो दस मौर्यन वेयर एबल टू मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द ओरिजिन ऑफ मोन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर बिगिन ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, बट आफ्टर एन एंटेरेग्नम ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स सीज द डिमाइस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विच हैड अ प्लेनरी कमांड ओवर द स्टोन स्कल्पटिंग, देर वॉज द रिवाइवल ऑफ अ स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। बात यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, जो मोन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर था वो लगभग बिगिन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं, बट 1000 सालों के गैप के बाद जो इसका रिवाइवल होता है वो मौर्यन एरा में होता है, और बहुत ही तगड़े तौर पे होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे साक्ष्य मिले हैं मौर्यन एरा में, इस चीज़ को और भी सुंदरता से बिखेरा गया है, निखारा गया है, सॉरी, स्कल्पचर आर्ट को, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि मौर्यन आर्ट ने अधिकतर चीज़ जो आर्किटेक्चर बेस्ड हुई थी वो वुड बेस्ड थी मौर्यन आर्ट, ठीक है? वुड पर, लकड़ियों की मतलब बहुत चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। आपने देखा होगा कि जो पैलेस मिला था पाटलिपुत्रा के पास, वहाँ पे भी जो फोर्टिफिकेशन हुआ था वो लकड़ियों का उसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन मौर्यन आर्ट ही एक ऐसा, मौर्यन एरा ही एक ऐसा समय था जो बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला था वुड से स्टोन की तरफ मूव ऑन करने का, ठीक है? तो ये भी आप राइट ऑन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स? बात करते हैं मौर्यन आर्ट जो है बेसिकली फ्लोरिश अंडर रॉयल पैट्रोनेज, जो इसको संरक्षण मिला हुआ था वो रूलर्स के द्वारा मिला हुआ था अधिकतर जिसके थे, बट साइड बाय साइड फोक आर्ट आल्सो डेवलप्ड। यहाँ पर जो फोक आर्ट था, फोक आर्ट को पॉपुलर आर्ट और जो इंडिविजुअल आर्ट भी बोलते हैं, वो खुद से लोग वहाँ के लोकल्स पीपल्स वो भी अपने हिसाब से आर्ट जो डेवलप कर रहे थे वो भी साइड बाय साइड उतना ही फ्लोरिश हो रहा था उस टाइम, ठीक है? द मौर्यन आर्ट मे बी डिवाइडेड इंटू, जैसा कि हमने बताया, तो आप इस तरह
प्रेजेंट कर सकते हैं कि रॉयल आर्ट, कोर्ट आर्ट इसी को बोलते हैं, कोर्ट मतलब वो डायरेक्टली रूलर्स के द्वारा मतलब गाइड किया जाता था कि हाँ यहाँ ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए। फोक आर्ट होता है लोकल पब्लिक के द्वारा, इसी को पॉपुलर आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं थोड़ा हम अपने नितिन सिंघानिया के बुक के पास। सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा मौर्यन आर्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ छोटा सा टर्म के हिसाब से पी, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी पीपीएस, यहाँ देखिए पीपीएस और पीसीएस, ये पीपीएस और पीसीएस करके आप याद रख लेना। ठीक है, मौर्यन आर्ट, कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट में क्या क्या है आपको पहले भी पता है। देखिए कोर्ट आर्ट का मतलब हो गया रूलर्स के द्वारा गाइड किया गया कि हमें ये बनवाना है ये बनवाना है। ठीक है, तो रूलर अगर बनवाएंगे तो वो पैलेस बनवाएंगे, पता है आपको। पिलर्स से आम आदमी का कोई नाता होता नहीं, तो पिलर्स भी बनवाएगा कौन, रूलर्स के द्वारा, मतलब वो कोर्ट आर्ट होगा। फिर बात करते हैं स्तूपा, स्तूप भी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि एक स्तूप बनवाया जाए ये करके। ठीक है, तो ये भी बनाया गया है कोर्ट आर्ट के तहत, जिसको रॉयल पेट्रोनेज मिला हुआ है। अब बात करते हैं आम जीवन में हिसाब करते हैं, जिसको पॉपुलर आर्ट, इंडिविजुअल आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फोक आर्ट भी बोलते हैं, जो आम नागरिकों के द्वारा वहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा बनाया गया। तो उस समय केव्स वगैरह पे पॉपुलर हुए थे, पॉटरी वगैरह मिले थे, नॉर्दर्न ब्लैक वेयर जो पॉटरी मिली थी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्कल्पचर की, जो मूर्ति कला है वहाँ की, उसके हिसाब से मूर्ति कला भी वहाँ पे मौजूद हुई थी। फिर बात करते हैं कोर्ट आर्ट, मेनली जो मौर्यन पीरियड था, वो कमीशनड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क, पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीज़न के हिसाब से भी बनाए गए थे वहाँ पे। जैसा कि आप देखते हैं मौर्यन आर्ट में बुद्धिज़्म का जो आपने देखा होगा, मौर्यन आर्ट सबसे पहले तो जैन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोवर हुए। ठीक है, धीरे धीरे आप देखे होंगे कि वो कन्वर्ट होकर पहुँचे अशोका के समय, वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा आप वहाँ पे पीक इसको मिला, बुद्धिज़्म को वहाँ सपोर्ट ज़्यादा मिला, और बुद्धिस्ट के बेस पे बहुत सारे चीज़ बुद्धिस्ट के बेस पे बनाए गए। ठीक है, तो जो पैलेस, अगर पहला जी अभी जो बात करते हैं रॉयल आर्ट के हिसाब से, तो पैलेस की बात होती है, तो पैलेस जो मौजूद हुआ था, तो पैलेस वहाँ मिला था हमें पाटलिपुत्रा में। द मौर्यन एम्पायर, द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम इनटू द पावर इन इंडिया, द कैपिटल एट पाटलिपुत्रा, जो मैंने बताया कि पाटलिपुत्रा में इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, एंड द प्लेस एट कुम्हरार वेयर क्रिएटेड एंड द पैलेसेस एट कुम्हरार, जो महल जो बनाया गया था वो कुम्हरार, आप जानते हैं पटना में आप रहे हैं या गए होंगे, कुम्हरार पार्क है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। तो वहाँ पर बनाया गया था मौर्यन एम्पायर का एक भव्यात्मक भवन तैयार किया गया था, जिसकी चर्चा अगर बात करते हैं तो फाहियान और फाहियान ने भी की हुई है, और मेगास्थनीज ने भी इस पैलेस के बारे में डिस्क्राइब किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इसको अच्छे से एलोबरेट करता हूँ आपके लिए, आप हमारे साथ थोड़ा बने रहें। ये देख सकते हैं रॉयल जो बिल्डिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो रॉयल असेंबली बिल्डिंग वाज अ हॉल ऑफ 84 लिथिक पिलर वेयर डिस्कवर्ड इन कुम्हरार, जो उस जो पाटलिपुत्रा के कुम्हरार में जो असेंबली बिल्डिंग मिली थी वो 84 लिथिक पिलर, अच्छा कहीं कहीं इसे 80 लिथिक पिलर भी बोला जाता है, दिया जाता है कहीं कहीं बुक्स में देख सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स रूफ एंड फ्लोर, जो उसकी छत थी मेड अप ऑफ वुड, मेन जो आप जानते हैं कि जितने भी जो फोर्टिफिकेशन मेनली किए गए थे वो वुड से फोर्टिफाइड थे पूरे। ठीक है, वुड चीफ मटेरियल था वहाँ, एंड द साइज वाज 140 फीट लॉन्ग एंड 120 फीट वाइडर, 140 फीट लंबा और 120 फीट वाइडर था। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड द पैलेस आफ्टर 600 ईयर के बाद, एंड वाज सो इम्प्रेस्ड विद द ग्रैंडियर एंड कॉल्ड इट्स एज अ गॉड गिफ्टेड, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इवन द ग्रीक एम्बेसडर, जो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनी जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, मेंशन दैट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वॉज वुड एंड फोर्टिफाइड, ये अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं अपने बुक इंडिका में, जो सिटी थी पाटलिपुत्रा वॉज वुड एंड फोर्टिफाइड वेयर नंबर ऑफ होल्स वेयर क्रिएटेड टू लेट द एरो पास बाई, जो तीरंदाज वगैरह होते थे उनके लिए जगह दिए जाती थी ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके, जो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्शन मिल सके बाहरी आक्रमण से। ठीक है, एंड डिच वॉज डग विद द साइज ऑफ 60 फीट बिलो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का जो पैलेस मिला है, और साइड में इतना एरिया छोड़कर ये डग किया गया था खुदाई
और यहाँ पे पानी, यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पानी से गंगा के किनारे, तट के किनारे ये बना बसा हुआ था, पाटलिपुत्र बसा हुआ है, तो डक किया हुआ है और यहाँ से पानी का भी ऐसे दिया हुआ होगा। तो आप ज़्यादातर फोर्ट्स वगैरह को देखे होंगे तो वो नदियों के बीच में होता था, तो यहाँ उसी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था ताकि सुरक्षा उसकी अच्छी से हो सके। ठीक है, द टाउन हैज़ 64 एंट्रेंस एंड 570 टावर्स थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को बता दिया, आप किस चीज़ को अगर चाहे तो लिख सकते हैं, अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पिलर्स में, तो मैंने नहीं, सॉरी, पैलेसेस की तो बात हो गई थोड़ी। सिमिलरली द अशोकाज पैलेस एट कुम्बरार वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर। इट हैड हाई सेंट्रल पिलर, वॉज 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर। द पैलेस वॉज वेल डेकोरेटेड विथ कार्विंग एंड स्कल्पचर। द पैलेस थे, उनके वाल बहुत ही प्यारे तौर पर डेकोरेटेड किए गए थे और स्कल्पचर से सजाए बजाए गए हुए थे। ठीक है, तो बात करते हैं पिलर्स की। पिलर्स जो बेसिकली अशोका के काल में ही अधिकतर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिली और इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा हुआ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स बेसिकली जो यूज़ होते थे वो एज अ सिंबल ऑफ स्टेट के तौर पर और टू कोमेमोरेट, याद के तौर पे, बैटल विक्ट्री को याद के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। एज्यूम एज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, इनका मेन सिग्निफिकेंस इन्हीं दोनों में है कि एज ए वो स्टेट के सिंबल के तौर पे यूज़ किए जाते थे और बैटल विक्ट्री को याद करने के तौर पे। और एक और हो जाता है आपका यहाँ पे इम्पीरियल सरमन को फैलाने के हिसाब से, जैसा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ही ऑल्सो यूज पिलर टू प्रोपगेट इम्पीरियल सरमन एज वेल। अब इम्पीरियल सरमन क्या हो गया, मेनली जो है शाही जो उपदेश होते थे उसको भी इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों के बीच में प्रोपगेट किया जाता था, स्प्रेड किया जाता था। ठीक है, ऑन एन एवरेज द 40 फीट हाई होता था, जितने इसकी हाइट होती थी 40 फीट होती थी। द पिलर वेयर यूजली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे एंड कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पे आप छोटे में देख सकते हैं, एनिमल, अबेकस कैपिटल साफ्ट, AACS के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, AACS, एनिमल, अबेकस कैपिटल एंड साफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को दिया गया है, लगभग 40 फीट के हिसाब अराउंड होता था। ये ऊपर वाला पार्ट जितने हैं, ये शेर वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला पार्ट है। एनिमल यहाँ पे जितने भी एनिमल, जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे एनिमल कैपिटल होता था, विदाउट एनिमल कैपिटल भी बहुत सारा पिलर्स मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एनिमल कैपिटल में ये आता है, ये हमारे स्टेट एम्बलम में भी यूज़ हुआ है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये एबेकस है जिसके बेस पर ये एनिमल्स को ऊपर रखा जाता था, और ये है कैपिटल, जिसको कैपिटल बोलते हैं, किसी कभी कभी लोटस कैपिटल, कभी कोई कैपिटल, ऐसे होता है ना, तो कैपिटल ये राउंड मतलब इन्वर्टेड शेप में लोटस को रखा जाता था या कोई भी और भी होता था। और ये पिलर जो होता है, शाफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसपे ये सारा चीज़ अड़ा हुआ है, जिस पे बोलते हैं ये मोनोलिथिक होता था, सिंगल पिलर स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं, ये सिंगल होता था। ठीक है, विच वाज, देखिए यहाँ पे इसका यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, सॉरी, द लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस एंड वॉज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ, जिसी को एक पीस ऑफ स्टोन से बनाया जाता था, जिसको मोनोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द ले, ऑन टॉप ऑफ द ले ऑफ द कैपिटल विच वॉज द ईदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड, या तो लोटस शेप्ड होता था ये वाला, या बेल शेप्ड होता था। ऊपर एनिमल हो गया, बीच में जिस पे ये खड़ा है वो एबेकस हो गया, और ये है कैपिटल, और ये है मोनोलिथ वाला शाफ्ट। ठीक है, द बेल शेप्ड कैपिटल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाई द ईरानियन पिलर। हाँ, इस चीज़ के लिए ये कहा जाता है कि ईरानियन पिलर्स जो कि वहाँ पहले से मौजूद था, उसको उसका इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट पे, ये मॉडर्न आर्ट पे बहुत ज़्यादा दिखा, इस तरह के अभी भी हिस्टोरियन इस पर चर्चा करते हैं, और ये डिफरेंसेस पूछा भी जाता है कभी कभी कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे साक्ष्य ऐसे मिले हैं, क्योंकि दोनों में लगभग सिमिलैरिटीज़ भी पाई गई हैं और कुछ कुछ हिसाब से वो डिसिमिलर भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एज वॉज द हाईली पॉलिश एंड लस्टर फिनिश ऑफ द पिलर, यहाँ पे देख सकते हैं हाईली पॉलिश होते थे और लस्टरस फिनिश दिया जाता था, बहुत ही अच्छा ये पिलर दिखाई देने में बहुत ही अच्छे दिखते थे, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव रहते थे। एवर द कैपिटल देर वॉज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस, जैसा भी हमने बताया, जिस पे वो खड़ा रहता था ऐसा टाइप का, या तो इस तरह होता था सर्कुलर, या तो इस तरह का रेक्टेंगुलर
जिस पे आपका एनिमल को रखा जाता था, नोन एज अपैकस विच ऑन एनिमल फिगर वॉज प्लेस, जैसा मैंने अभी बताया। अभी जो है बेसिकली बहुत सारे जो ज़्यादा चित्र मिले हैं तो वो तो लगभग पार्ट से मिले थे, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ पिलर इन चंपारण, सारनाथ पिलर और वाराणसी के पास जो है वहाँ से, और कुछ मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ जो बिहार रेस्पेक्ट में हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं पिलर फाउंड इन बिहार, कोल्हुआ, वैशाली, ये आप ना बिहार के हिसाब से लिख कर एक इस तरह का पैटर्न में आप बना लेंगे यहाँ पिलर फाउंड इन बिहार करके, है ना। यहाँ से आप बता सकते हैं कोल्हुआ, वैशाली, यहाँ लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, और यहाँ हो गया रामपुरवा वाला, ठीक है। तो आप जैसे जान सकते हैं कोई कोई पिलर जो मिले होते हैं दो पार्ट में मिलते हैं, जो पिलर होते हैं वो मिले दो होते हैं, एक विदाउट इंस्क्रिप्शन एक विथ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो विदाउट और विथ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, आप इसको चाहें तो एक बार पॉज करके देख लें। बेसिकली मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो कोल्हुआ वाला है, कोल्हुआ वो वैशाली में मिला था, ये लाइन कैपिटल था विदाउट एनी इंस्क्रिप्शन। लौरिया अरेराज है पिलर विदाउट एनिमल कैपिटल, ठीक है। और लौरिया नंदनगढ़ की बात करते हैं तो वो है वेस्ट चंपारण लाइन कैपिटल। रामपुरवा में है दो पिलर्स मिले थे, एक लाइन कैपिटल, एक है हमारा बुल कैपिटल। तो बात करते हैं स्तूप्स की, तो स्तूप्स वेयर द ब्यूरियल माउंट प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। ब्यूरियल माउंट मतलब जानते हैं, ब्यूरियल मतलब किसी को दफनाने वाली जो प्रथा होती है वो बेसिकली स्तूप्स के द्वारा दर्शाई जाती थी, वैदिक पीरियड से ही ये चली आ रही थी। इट इज़ अ कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्यूनरल क्यूमुलस इन विच रिलिक्स एंड द एसेस ऑफ द डेड वेयर केप्ट। ये स्तूप्स बेसिकली था ये फ्यूनरल, जो मरने के बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद के जो स्तूप्स में जो रिलिक्स होते थे और एशेज ऑफ द डेड, जो मर जाता था इंसान उसकी राख और उसके अवशेष जो होते थे वो स्तूप्स में प्लेस किए जाते थे, रखे जाते थे। अब ये भी जाना, जो पीरियड है अशोका का, द आर्ट ऑफ स्तूप रीच्ड इट्स मैक्सिमम और इट्स क्लाइमैक्स पॉइंट तो पहुंच गया था, जो क्लाइमैक्स था वो अशोका के दौरान ही हुआ था। ऑलमोस्ट 84,000 स्तूप्स वेयर इरेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। स्तूप्स बेसिकली बुद्धिज्म से ही रिलेट करता था स्टार्टिंग, अगर आप वैदिक काल से देखते आ रहे होंगे तो, ठीक है। ऑल्दो द वैदिक ट्रेडिशन स्तूप्स वेयर पॉपुलराइज बाई द बुद्धिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, 9 स्तूप्स वेयर इरेक्टेड, यहाँ देख सकते हैं 9 स्तूप्स इरेक्ट करवाए गए थे जिसमें से 8 रिलिक्स ऑफ द बुद्धा एडियर मेधी। मेधी जो होता है स्तूप्स का, जो जो पूरा बॉडी पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेधी साइड वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं अभी आपको, वो होता है। तो उसके पास रिलिक्स बुद्धा का वहाँ रखा गया और 9th जो था वो पॉट इन द रिलिक्स वेयर ओरिजिनली केप्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द जो पार्ट है, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मेधी है, ये वाला जो इसका जो होता है ना, ये जो बाउंड्री मतलब एक रेलिंग टाइप होती है ना, वो मेधी कहलाती है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको अपने मेंस में ज़रूर लिखना है अगर मॉडर्न आया। आपको पता होगा कि आप पाल कला में भी स्तूप का डेवलपमेंट कराया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी बुद्धिज़्म का जो फॉल हुआ था वो पाल कला से रिलेट कर रहा था उस टाइम। तो वहाँ पे भी बुद्धिज़्म का जो आर्ट था वो पाल कला वहाँ उसमें देखने को मिला है। पाल स्ट्रक्चर जो था, पाल सेना और ये आर्ट बोलते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को डेवलप किए थे स्तूप। तो यहाँ पे आप ये दोनों जगह ये आप चीज़ दिखा सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट बात है कि अगर पाल कला भी आता है तो भी आप स्तूप का जो जिक्र करेंगे तो ये आप दिखा लेंगे, और यहाँ मौर्य आर्ट में। तो ये आपको बनाना बहुत ईजी है, यहाँ सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है टर्मिनोलॉजी, पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है तो ये सीधा सीधे देखते हैं छतरी टाइप का है, अम्ब्रेला टाइप का है, देख रहे हैं, तो ये पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा, और उसके नीचे जिस पे ये छतरी लगी हुई है तो उसको यास्ती बोलते हैं, और हर्मिका उसका बेस जो हो गया वो हर्मिका, और ये सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से देख सकते हैं। ये तोरण होता है, जो द्वार होता है ये ईस्ट तोरण, यहाँ से चढ़ना निकलना एक बेस्ट तोरण, और यहाँ से सीढ़ी ये वाला बनाया गया है कि ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ अनबर्न ब्रिक, जो पक्की नहीं होती थी, कच्ची मतलब ब्रिक्स से बनी हुई थी, जो ईंटें होती थी। वाइल द आउटर सर्फेस ऑफ वॉज मेड बाई द यूजिंग बर्न ब्रिक, ये देख सकते हैं जो आउटर सर्फेस होते हैं वो पका कर जो ईंटें बनाई जाती थी उससे बनाई गई थी। वेयर विच वेयर देन कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ प्लास्टर, ठीक है। द मेदी एंड द तोरण वेयर डेकोरेटेड
बाय वुडन स्कल्पचर। ये बहुत ही कम ही अब बचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब लकड़ी कितना ही बचेगा, तो कुछ वगैरह साक्ष्य मिले हैं कहीं कहीं से, तो वही थोड़ा बहुत बचा है। तो मेदी और तोरण वेयर डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर, जो रेलिंग वगैरह उसके होते थे। डिवोटी वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ और ओपन एम्बुलेटरी पासिस वे, आप जिसको चबूतरा बोल सकते हैं वो रहता था जो आपने अभी देखा ऊपर। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे ये चबूतरा ही होगा ना, आप समझ रहे हैं ना, तो ये वाला यहाँ देख सकते हैं अपर लेवल वॉक अवे एंड एम्बुलेटरी पास अवे, ये जो इस पर ये चबूतरा रहता था उस पर ये सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर खड़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल सांची स्तूप मध्य प्रदेश इज द मोस्ट मोस्ट फेमस ऑफ द सुकन स्तूप, पिपरहरवा स्तूप इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए 9 स्तूप्स कहाँ कहाँ से मिले हैं ये भी देख सकते हैं आप, राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अलाकप्पा, रामग्रामा, वेधापिदा, पावा, कुशीनगर और पिपा लिवना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जितना भी है, आप एग्जांपल अपने बिहार के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट दे ही सकते हैं यहाँ से, राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, जो आपके यूपी वगैरह है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो देना चाहिए। जैसे अभी अभी हमने बताया था कि अशोकन पिलर और ईरानी पिलर्स में कुछ डिफरेंसेस और कुछ समानताएं भी आपको मिली थी, वही यहाँ है बेसिक है। यहाँ हल्का फुल्का आप अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मोनोलिथिक होते थे, द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वेयर मोनोलिथिक, दे वेयर इंस्क्राइब फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ स्टोन, मिली चुनार स्टोन से बनाए जाते थे। जबकि द शाफ्ट ऑफ द आकेमेनियन, देखिए आकेमेनियन को ईरानियन पिलर भी बोलते हैं, पर्शियन पिलर भी बोलते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज ना होंगे, ठीक है। आकेमेनियन पिलर्स, द शाफ्ट ऑफ द अकेमेनियन पिलर वेयर मेड ऑफ वेरियस पीसेज ऑफ द सैंडस्टोन, मतलब उसको एज ए स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था, ये एक ही चीज़ से बना दिया जाता था, बट यहाँ पे ऐसे 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 करके तब ये गोल ऐसा तैयार होता था पिलर, ठीक है। लोकेशन बेसिकली ये तो आप जान रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाई द रॉयल डिक्शन, जहाँ पर इसको किया जाता था ये सिर्फ सिंगल स्टैंडिंग कहीं पर भी इसको लगाया गया है, जहाँ पर इसको बताया जा सकता था वहाँ से इंस्क्रिप्शन वगैरह इसके मिले हैं। बट यहाँ पर अकमेनियन पिलर ये दिखाया गया है यहाँ पर कि जो रॉयल पैलेसेस वगैरह होते थे तो उसका जो ये जिस पे ये खड़ा रहता था ये पिलर उसको सपोर्ट देता था, ठीक है। तो बेसिकली अकमेनियन पिलर जो है यहाँ पे एज अ सपोर्ट के तौर पे था, बट ये फ्रीली स्टैंडिंग था, तो ये हमारा कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज मतलब डिफरेंसेज यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पॉपुलर आर्ट, हाँ अगर यहाँ पे सेम में अगर बात करते हैं तो दोनों का लगभग जो सरफेसेस था यहाँ पे, यहाँ सरफेसेस अशोकर वाला बहुत स्मूथ सरफेस था, बट यहाँ पे थोड़े रफ सरफेस अकमेनियन पिलर में मिले थे। अशोकन पिलर की बात करते हैं तो यहाँ पे लोटस वाला जो ये आपका था लोटस कैपिटल वगैरह आप जान रहे हैं, तो यहाँ पे भी लोटस मिला था, बट यहाँ पे ये इन्वर्टेड मिला था, लेकिन यहाँ पे भी लोटस का यूज़ होता था जिसको मोटिफ वगैरह बोलते हैं, लेकिन ये अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ वाला था, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस और है यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों में लोटस वगैरह मिला था ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलर आर्ट, जिसको अभी हमने बताया था कि अपने से खुद से इंडिविजुअल आर्ट भी जिसको बोलते हैं, फोक आर्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज, केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोर्ट्रेट टुक द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय द इंडिविजुअल एफर्ट, जो लोगों के द्वारा उस समय थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया ये आर्ट था। दिस वेयर द ग्रुप टुगेदर एज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी ये भी अपना ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा लोगों में, जैसा कि ये बराबर केव आप जानते हैं गया के पास है। ये दिस पीरियड सॉ अ इमर्जेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द, हाँ जैसा भी आपको मैंने बताया था कि आप स्टार्टिंग में अगर इंट्रो पार्ट में लिख सकते हैं कि मॉरियन फेज ही ऐसा था जो कि एक वुडन फेज से शिफ्ट देखा था स्टोन की तरफ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, दिस केव वेयर जनरली यूज एज अ विहाराज, विहाराज का मतलब होता है जहाँ पर उनकी रहने की रेसिडेंट करने की व्यवस्था बुद्धिस्ट लोगों की वहाँ पर रहने की व्यवस्था कराई जाती थी वो होती थी बेसिकली, ठीक है। दैट इज द लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, वाइल द अर्ली केव वेयर यूज, ठीक है, बाय द आजीविका सेक्ट, लेटर दे बिकम पॉपुलर एज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे वो लोग रहते हैं अपने हिसाब से वो लोग रखते थे, वो एज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के तौर पे ही आजीविका सेक्ट के द्वारा इसको अपनाया गया था बाद में अर्ली के तौर पे स्टार्टिंग में, ठीक है सॉरी। ये देख सकते हैं द केव वेयर मॉडर्न पीरियड वेयर मार्क्ड बाय अ हाईली पॉलिश्ड फिनिश
द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज बराबर एंड नागार्जुनी केव इन बिहार फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका। कुछ मैं आपको यहाँ से केव्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ एक्स्ट्रा में। ये देख सकते हैं मॉरेन सो आर द बिगनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर द बराबर एंड नागार्जुनी केव कंटेन सेवरल केव्स दैट वेयर इनहेबिटेड बाई द एसेटिक्स, जिसको अभी मैंने बताया कि वो बुद्धिस्ट एसेटिक्स वगैरह जो उसके पुजारी वगैरह थे जो प्रीचर्स वगैरह थे इन द एंशिएंट टाइम। द एंट्रेंस ऑफ दिस केव्स आर मेड ऑफ वुड। अच्छा हाँ ये भी है, आप वहाँ ये जो ना वुड से बनाए गए थे जो एंट्रेंस इसका गेट जो था जैसे बराबर के सामने वाला है वो वुडन एंट्रेंस वो था ठीक है। डेकोरेटेड बहुत ही बहुत बेहतरीन ढंग से इसका डेकोरेशन होता था, बहुत ही मतलब हीरा जवाहरात मतलब बहुत ही यूज़ होता था वहाँ पे, तो इसका एंट्रेंस बहुत ही भव्यात्मक होता था। दिस केव इन बराबर हिल्स जो गया के पास वाली है हैज़ डेडिकेटेड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है ठीक है। जानते हैं तो जहानाबाद से 24 किलोमीटर दूर है लगभग ये। थ्री केव्स इन नागार्जुनी हिल्स हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड सन दशरथा, जो नागार्जुनी केव जो हिल्स पे बना हुआ केव है वो डेडिकेटेड है इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड सन दशरथ का इंस्क्रिप्शन वहाँ पे मेंशन है ठीक है। थ्री केव्स ऑफ अशोका एंड हिज ग्रैंड सन दशरथा वेयर डिसाइडिंग आजीविका के लिए मेनली बनाया गया था। जिस केव्स जो बनाए गए थे आजीविका मतलब उनके लिए बनाया गया था रहने के लिए ठीक है। सुदामा केव इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट केव ऑफ अशोकन पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर, दो चैम्बर्स ये एग्जिस्ट करते थे। फिर बात करते हैं यहाँ देख सकते हैं कर्ण चॉपर, मैंने कुछ लिख दिया है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगा अगर आपको मतलब लगता है तो आप अपने पॉइंट आउट करके लिख लेंगे ठीक है। मैं वैसे मैं इस चीज़ की PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे ठीक है। ये आपके हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ तो आप वहाँ पे उसको PDF से कवर कर लेंगे। कर्ण चॉपर केव है वॉज बिल्ट इन द 19th रीजनल ईयर, जो अशोका का ताजपोशी का मतलब 19वें साल के बाद का है कर्ण चॉपर बनाया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल चैम्बर रेक्टेंगुलर इन शेप विथ वॉल्टेड रूफ ठीक है। नागार्जुनी के बारे में जान रहे हैं, यहाँ पे गोपिका केव बनाई गई थी दशरथा के द्वारा, दशरथ जिनके ग्रैंडसन थे अशोका के ठीक है। फिर देखते हैं लोमेस ऋषि केव ठीक है, इज द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस, इट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर, लगभग चैम्बर पे डिपेंड करता था ठीक है। ओनली का स्कल्पचर हैविंग ऑर्नामेंटल एक्ट एंट्रेंस यही है जहाँ पे ज़्यादा ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी वगैरह यूज़ किया गया है इसको भव्यात्मक रूप देने के लिए इसका एंट्रेंस के पास ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं जहाँ पे थे फिर से वहाँ, अब बात करते हैं स्कल्पचर की, स्कल्पचर मूर्तिकला वगैरह। द स्कल्पचर वेयर द प्राइमरली एक सेकंड रुक गई फॉर डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, स्तूप्स के जो एंट्रेंस के पास जो मेनली डेकोरेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता था स्कल्पचर इन द तोरणा एंड मेडी एंड एज द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन ठीक है। टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आज दोज ऑफ यक्ष और याक्षिनी, यक्ष और याक्षी और याक्षिनी भी बोलते हैं, जैसा ये आप देख रहे हैं ये वाला दीदारगंज से ये मिला हुआ था, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये था, फिर ये यक्ष का स्कल्पचर है, मैं अभी इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। अच्छा ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जो बेसिकली अर्लीस्ट जो याक्षिनी के जो बात हुआ है वो शिला पारिक्रमण में जो तमिल टेक्स्ट था उसमें इस चीज़ का जिक्र है, ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर वेयर एसोसिएटेड विद द याक्षी ठीक है, उससे रिलेट करते थे। थोड़ा सा मैं यक्ष याक्षिनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा बता देता हूँ। द फेमस प्लेस जो यक्ष आइडल फाउंड एट परखम विलेज ऑफ मथुरा ठीक है, यक्ष इमेज फाउंड फ्रॉम बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मथुरा मथुरा में, ये दो चीज़ तो आप यहाँ मथुरा वाला बता सकते हैं। फिर दीदारगंज में जो मिला था दीदारगंज पटना यक्षिणी आइडल्स विच एग्जिबिटेड एंड पटना एट पटना म्यूजियम में रखा गया है, इस चीज़ को जो अभी थोड़ा देर पहले भी हमने जिस चीज़ को दिखाया था, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था अभी तक में जो पाया हुआ गया है इसका। टू यक्ष आइडल फाउंड एट पटना विच इज विच कैन बी सीन एट कोलकाता म्यूजियम, कुछ कुछ है जो कोलकाता म्यूजियम के पास भी रखा गया है। एक देख सकते हैं यक्ष इमेज एंड आइडल ऑल्सो फाउंड फ्रॉम राजघाट वाराणसी शिशुपालगढ़ कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे एक चीज़ अब बिहार के हिसाब से बोल सकते हैं तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, टू नेकेड एक्स इमेज ऑफ मेल टॉर्सोआई जिसको बोलते थे फाउंड फ्रॉम लोहानीपुर पटना ठीक है, ये देख सकते हैं ठीक है, तो ये सब जिक्र कर सकते हैं आप ठीक है। तो बात करते हैं पॉटरी की,
जो उस समय के मौर्य काल के इतिहास में जो बर्तन बनाए गए थे, तो पॉटरी वो भी आम लोगों के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इसे फोक आर्ट में ही रखा गया है। तो पॉटरी ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज़ जनरली रेफर टू द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। दे वेयर कैरेक्टराइज बाई ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्टरस फिनिश एंड वेयर जनरली यूज फॉर द लग्जरियस आइटम एज अ लग्जरियस आइटम। मतलब तो जो है उसे काले रंग से पेंट किया गया था और बहुत ही स्मूथ उसको चिकनाई के साथ उसको बनाया गया था, हाईली स्मूथ सरफेस उसका था और एज अ लग्जरियस आइटम के तौर पर उसे यूज़ किया जाता था। दे हैव ऑफन बिन रेफर टू एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। तो अभी तक जितने भी पॉटरीज हमारे इतिहास में पाए गए हैं उसमें से द बेस्ट क्वालिटी का पॉटरी आपको NBPW ही है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े यहाँ पर हमारा पॉटरी के साथ लगभग सेक्शन ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा जिक्र हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वहाँ पे एबेकस एंड एनिमल पार्ट ऑफ वो सारनाथ पिलर से ही जो था वो नेशनल एम्बलम के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो सारनाथ के से लिया गया है जो कि यूपी में है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है ख़त्म। तो वीडियो में अब आपसे राय लेने की बारी आ गई है कि कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी परेशानी अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेशन दे सकते हैं। और बात करते हैं जो हमने टेलीग्राम चैनल पर एक BPSC की रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उस पर डिस्कस किया जाएगा जो भी मेंस के रिलेटेड है, GS1 और GS2, और हो सके तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर आप उसमें चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी के साथ अच्छे से अपनी तैयारी में बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।